हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास 25 से 30 नए निवेदन आए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और इसी कारण वे सपा या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है जो किसी न किसी संदिग्ध अपराधों में लिप्त है। ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? आज जो चेहरा और चरित्र कांग्रेस पार्टी का उभर कर सामने आ रहा है, उससे साफ है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास 2500-3000 एप्लीकेशन आई हैं, आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और इसी कारण से चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे वो समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों से अलायंस करने की बात कर रही है। और दूसरी ओर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है जो कोई ना कोई संदिग्ध अपराधों के अंदर, जिनके ऊपर आरोप हैं, ईडी के केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है कि आइए कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार करिए और जो मर्जी आपकी जितना मर्जी कमाइए। तो मैं समझता हूं कि जो आज चेहरा और चरित्र कांग्रेस पार्टी का सामने उभर करके आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।